हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है 2020 का, जिसमें हम लोग कुछ मार्क्स को देखेंगे, कुछ और देखेंगे कुछ सब्जेक्ट जैसे ऑप्शनल हो गया उसमें कितने मार्क्स उठे हैं, और इसमें भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीसेट में ही फेल कर गए हैं। तो सीसेट अगर दिन पर दिन देखा जाए तो काफ़ी टफ हो रहा है, बच्चे उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आइए हम लोग देखते हैं। देखो, अभी जो शुरू का जो 5 से 7 हम कुछ मार्क्सशीट देखेंगे ना, वो सारे रिकमेंडेड है। तो देखो, इनका जो ऑप्शनल है डेट इज़ सोशियोलॉजी। उनको सोशियोलॉजी, आपको पता होगा कि यूपीएससी में 2 पेपर होता है, तो ऑप्शनल पेपर जो 1 है ऑप्शनल का, उसमें इनको आया 138 नंबर। ठीक है, पेपर 2 जो सोशियोलॉजी का है उनमें इनको आया है 146 नंबर, एससी में आया है 132, और पेपर 2 110, पेपर 3 121, पेपर 4 इनको आया 105, और पेपर 5 हो गया आपका, इनको आया है उसमें 107। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देखिए, ये भी इनका 95 रैंक है। इनका ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी में इनको आया है 131 नंबर, और जो ऑप्शनल का पेपर सेकंड होता है उसमें आया है इनको 138 नंबर, इनका इंटरव्यू में 173 नंबर। तो ये भी एक रिकमेंडेड कैंडिडेट है। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट है जिनका ऑप्शनल है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में इनको आया है, एक पेपर में आया है 122, सेकंड पेपर में आया है 138 नंबर, और इनका पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू है उनमें दिया है काफ़ी कम दे दिया है, 149 दिया है, लेकिन ये भी ये रिकमेंड हो गए हैं। क्यों रिकमेंड हुए हैं? क्योंकि इनका एस में बहुत ही अच्छा नंबर दिया है, एस में काफ़ी अच्छा नंबर दिया है, 121 नंबर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मार्क्स देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी लिटरेचर, इसमें एक को दिया 128 और एक को दिया 137, इंटरव्यू में दिया है इनको 143 नंबर, और ऐसे में बहुत ही अच्छा दिया है, 135 नंबर दिया है, और बाकी में 90s के अराउंड है। ठीक है, तो हिंदी लिटरेचर में 128 और 137 नंबर आए हैं। नेक्स्ट देखिए, इनका भी हिंदी लिटरेचर है, इसमें इनको दिया है 138 नंबर ऑप्शनल 1 में, ऑप्शनल पेपर 2 में दिया है इनको 133 नंबर, पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू का मार्क्स इनका कितना दिया है 173 नंबर, और इस एस में इनका देखिएगा तो एस में भी ये भी रिकमेंडेड कैंडिडेट है, इनका 138 नंबर आया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फिर से हिंदी लिटरेचर आ गया। हिंदी लिटरेचर में इनका पेपर 1 में दिया है 127 और 126 पेपर सेकेंड में, इनका इंटरव्यू में दिया है 157 और इनका ऐसे पेपर में 144, दैट इज़ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एंथ्रोपोलॉजी, इनका आया है पेपर 1 में 170, बहुत ही बढ़िया नंबर है, और पेपर 2 में आया है इनका 150। ये आपको पता होगा कि ये टॉपर है, समझ रहे हैं, जो शुभम कुमार थे इनके टॉपर का मार्कशीट है। इनको पर्सनालिटी टेस्ट में दिया 176 और ऐसे में देखो 134, पेपर 1 में 115, पेपर 2 में 111, पेपर 3 में 92 और पेपर 4 में दिया है इनको जनरल स्टडीज़ 4 जिसको बोलोगे और पेपर 5 बोल दो उसमें दिया है इनको 106 नंबर दिया है। तो इनका जो ऑप्शनल ही है, ऑप्शनल ही इनको 300 प्लस के अराउंड, 320 के अराउंड इनको ऑप्शनल में ही मिल गया है। तो जो हमारे जो टॉपर है शुभम कुमार, उनका मार्कशीट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री में यहाँ पर आया है 100, पेपर 1 जो ऑप्शनल का होता है हिस्ट्री उसमें है 128 नंबर, सेकेंड है 129 नंबर, और पर्सनालिटी टेस्ट में इनको मिला है 160 नंबर। नेक्स्ट पेपर देखिए हिंदी लिटरेचर, अगेन हिंदी लिटरेचर आ गया, इसमें इनको मिला 138 और 133, दो ऑप्शनल का पेपर होते हैं, और इनके एस में मिला है 138। ठीक है, और इनके पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है इंटरव्यू, इनको मिला 173 नंबर। अब आते हैं हम मेन बात करते हैं कि ऐसे कुछ बच्चे हैं ना, मान के चलो कि दोस्तों बहुत ही अधिक संख्या में हैं जो सीसेट में फेल कर गए हैं, जीएस में बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं लेकिन सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। सीसेट बहुत ही मतलब काफ़ी इस बार का सीसेट का लेवल काफ़ी टफ था। रीज़न यही है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से सीसेट नहीं लगाते हैं, हम लोग पीटी की तैयारी करते हैं, हम लोग पूरे फोकस किस पर लगा देते हैं, जीएस पर लगा देते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि लास्ट में जाकर, लास्ट के एक महीने के अंदर में हम सीसेट करेंगे, तो उसका नतीजा यहाँ पर आया है। एक कैंडिडेट है इनका देखिए, पेपर 1 में है 100 मार्क्स लेकिन पेपर 2 में है, पेपर 1 में 92 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था, और तो इनको कितना है 100 मार्क्स है लेकिन पेपर 2 देखिए 53,
पेपर टू क्या है 53 नंबर, पेपर टू में फेल हो गए हैं, इसके कारण इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इनको पेपर वन में 100 मार्क्स है, पेपर टू में 47 मार्क्स है। ये भी क्या हुआ कि पीटी नहीं क्वालिफाई किए हैं, जिसमें काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट है, 92 कट ऑफ किया है इस बार जनरल का, डैट मीन्स पेपर जो है वो काफ़ी उम्दा लेवल का पेपर था, तभी भी इनको 100 नंबर आया और 47 नंबर इनको आया है इसमें। नेक्स्ट देखिए, इनका पेपर वन में 68 है, पेपर टू में 63 नंबर है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो सीसेट है उस काफ़ी को डुबा दिया है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचिए कि अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो ये मत सोचो आप कि चलो लास्ट के एक महीने में हम सीसेट लगा लेंगे। सीसेट का कम से कम आप चार महीने पहले से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप समय पर आप नहीं तैयारी करोगे तो। तो आप पेपर वन में सारे मेहनत पेपर वन में लगा दोगे, पेपर वन क्वालिफाई करने अच्छे नंबर लाने के बाद भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर और वीडियो और मार्क्सशीट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।